अर्शी, आपने स्टडीज कहाँ तक की है? आपको किस टाइप के लड़के पसंद है? जी हाँ, मैंने वोकल ट्रेनिंग ली है। आपका पहले वाला अकाउंट किसने हैक किया था? के लिए आप लोग अभी सस्पेंस में रहो कि आपका शादी का क्या प्लान है। कुछ भी। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, जैसा कि आपको पता है, इस वीडियो के लिए मैं बहुत ज्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। मैंने पहले वाले अकाउंट से अपने एक स्टोरी लगाई थी कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन कीजिए और मैं आंसर करूंगी, लेकिन वो अकाउंट तो चला गया। पर अभी मैंने अभी अपनी बहन के घर आई थी मैं 2 दिन पहले, तब मैंने स्टोरी लगाई थी। और आप सबको पता होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं, तो कि आप फिर से Q&A हम लोग करेंगे। Q&A वीडियो मैं YouTube पे बनाने वाली हूँ, मैंने आप लोगों से कहा था, और आपने बहुत सारे क्वेश्चन आए सबके। तो अब मैं उन क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। जो बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, उसमें से मैं 10 सेलेक्ट करूंगी। अभी भी इसमें 17 है मेरे पास, इनके स्क्रीनशॉट लेके मैंने क्रॉप किया हुआ है, बट उसमें सिर्फ मैं 10 पिक करूंगी और उनके आंसर करूंगी। तो आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। चलिए पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। मैं पढ़ती हूँ जो सबसे ज्यादा बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों ने पूछा। ये क्वेश्चन पूछा है, मैं नाम लेकर क्वेश्चन रीड करने वाली हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा है, यूट्यूब पर कमेंट आया था ये मेरी वीडियो पर, लास्ट वीडियो पर, कमेंट्स विद अमन। तो इनका नाम ही कमेंट्स विद अमन है। और ये पूछते हैं, अर्शी आप दिल्ली से हैं? तो ये बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन है और बड़ा इजी सा है। जी हाँ, मैं दिल्ली से हूँ। तो इसका आंसर अमन, मैं दिल्ली से ही हूँ। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है नंदिनी राघव जी ने, ये लिखती हैं, अर्शी आपने स्टडीज कहाँ तक की है और आप कहाँ रहते हो? दिल्ली में। तो स्टडीज मैंने बीए किया हुआ है, और मैं बहुत ज्यादा शाय थी आफ्टर 12th। मैं जब निकली घर से, तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कि मैं म्यूजिक में करती, क्योंकि मुझे म्यूजिक में ही सब कुछ करना है। और अब तो मैं कर रही हूँ गंधर्व महाविद्यालय से, बट मैंने बीए कर लिया था नॉर्मली, बट मैं म्यूजिक में नहीं कर पाई, वो एक चीज है। और दिल्ली में मैं कश्मीरी गेट के साइड रहती हूँ, ठीक है, इतना ही बहुत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है, वो पूछा है प्ले गेम ने, मेरे लास्ट ब्लॉग पर ये क्वेश्चन है, विच इज योर फेवरेट प्लेस आउट ऑफ इंडिया। मतलब अगर आपको मौका मिले आउट ऑफ इंडिया जाने का, तो आप कहाँ जाओगे और उस कंट्री की गुड एंड वेरी थिंग जो आप करना चाहते हो? तो मेरा दो प्लेसेस है मुझे आउट ऑफ इंडिया अगर कहीं जाना है तो। एक तो दुबई, मैं दुबई घूमना चाहती हूँ। अब वहां की गुड चीजें तो मैं वहां जाके ही पता चलेंगी, क्योंकि मैं कभी गई नहीं हूँ। और सेकंड है टर्की, मैं टर्की जाना चाहती हूँ। तो यही दो जगह है जहां मैं जाना चाहती हूँ। एंड टर्की मैं इसलिए जाना चाहती हूँ क्योंकि वहां के जो ड्रामा है ना, जो सीरियल्स है, जो सीरीज है, मैं वो देखती हूँ। और आई जस्ट लव टर्की सीरीज और सब चीजें, मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं टर्की जाना चाहती हूँ। और बाकी फर्स्ट तो मेरा दुबई है, कि मुझे दुबई जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमरान अहमद 786 का। मैंने कुछ क्वेश्चंस इंस्टाग्राम से भी लिए हैं, ताकि सबके साथ इंसाफ हो बराबर। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरी बहन की भाभी बनोगी? नहीं। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इंस्टाग्राम से ही पिक किया है, एंड इनका नाम है आई एम आशीष त्रिपाठी। तो ये लिखते हैं, आपने वोकल ट्रेनिंग ली है? अगर ली है तो प्लीज अपने गुरुजी का नाम मेंशन कीजिए। तो आशीष त्रिपाठी जी, जी हाँ, मैंने वोकल ट्रेनिंग ली है। मैं क्लासिकल म्यूजिक सीख रही हूँ गंधर्व महाविद्यालय से। मेरा 4th ईयर वहां कम्प्लीट हो चुका है, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरे जो गुरुजी हैं, मैं उनका नाम मैं अपनी वीडियो में ले पा रही हूँ। 4 साल श्री विवेक भोला सर, मेरे गुरुजी, उन्होंने मुझे 4 साल ट्रेनिंग दी है, और अभी भी मैं उनसे सीख रही हूँ। एंड ये मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, मेरे गुरुजी का नाम मेरी वीडियो में लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने इंस्टाग्राम से ही पिक किया है। आप लोग बोलेंगे इंस्टाग्राम से पिक किए क्या सारे क्वेश्चन, बट नहीं, ऐसा नहीं है, और भी क्वेश्चन है, आगे आगे देखिए। तो ये पूछा है आफ्ताब अंसारी ने, आफ्ताब अंसारी 388522, ये पूछा है। तो ये लिखते हैं, फेवरेट एक्टर कौन है आपका? तो मेरा फेवरेट एक्टर है, दो फेवरेट एक्टर्स हैं मेरे, एक शाहरुख खान और एक टाइगर श्रॉफ। जी हाँ, शाहरुख खान मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, और टाइगर श्रॉफ जब से उन्होंने
बॉलीवुड में कदम रखा है, पहली फिल्म उनकी, उसी से मैं हीरोपंती से उनकी दीवानी हो गई थी। तो टाइगर श्रॉफ एंड शाहरुख खान मेरे फेवरेट एक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन मेरे ब्लॉग पे ही आया है कमेंट में। इनका नाम है शाहबाज परवाज। अगर मैं नाम प्रोनाउंस नहीं कर रही हूँ तो वैसे भी मैं मेंशन कर दूंगी सारे जो भी हैं क्वेश्चंस आपके, स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, देख लेना। ये लिखते हैं, व्हाट्स योर बिगेस्ट फियर? मुझे सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है मेरे अपनों को खोने से, मतलब जिनसे हम हमारे जो लव्ड वंस हैं, जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं, उनको खोने से डर लगता है। खोना मीन्स एक वो चीज है ना कि मौत बरहक है, वो आएगी ही, तो उससे मुझे डर लगता है कि मेरे सामने जिनसे मैं प्यार करती हूँ वो बहुत डर लगता है मुझे। देखो मुझे भी बोलने में भी डर लग रहा है, तो सबसे ज्यादा डर मुझे इसी से लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ। पता नहीं क्वेश्चन है कि क्या है, बट ये पूछा है मोमिन अली खान ने 007 ने, मैरिज करवा दो यार कोई एजुकेटेड गर्ल हो तो। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कुछ भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे ब्लॉग से ही है, तो ये सेम ने पूछा है। ये तो मैं ले चुकी हूँ, पर फिर भी इनका क्वेश्चन है, आपको किस टाइप के लड़के पसंद है? मैं भी तो देखूं कि मुझ में वो क्वालिटीज हैं या नहीं। तो मुझे लड़के पसंद हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा हो, एक लंबी चौड़ी तीन चार गाड़ियां हो, एक बड़ा सा बंगला हो, और फुल ऑन एटीट्यूड वाला वो लड़का हो, और कॉलर वॉलर उठा के ऐसा नहीं होता वो। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? अरे मुझे बहुत सिंपल लड़के पसंद है, एकदम सिंपल, जो कोई शो ऑफ ना हो जिनके अंदर, जो जैसे हैं वो वैसे ही रहें, कोई दिखावा नाम की चीज ना हो, बस एक यही क्वालिटी मुझे लड़कों में पसंद आती है। चलिए नेक्स्ट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये भी मेरे ब्लॉग में ही कमेंट आया है राजू कुमार का। तो ये लिखते हैं, हाय अर्शी, हाय, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब थोड़ी सी ठीक हूँ, थोड़ी सी खराब हूँ। गंधर्व में एडमिशन के लिए ऑडिशन में क्या सुनते हैं, प्लीज आप बताओगी? तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा है सेम, कि गंधर्व में एडमिशन के लिए क्या सुनते हैं। बड़े लोगों को मुझे भी था जब मैं गंधर्व में एडमिशन के लिए गई थी, कि ऑडिशन में क्या सुनते होंगे। तो जरूरी नहीं है कि आपको क्लासिकली कुछ सुनाना है, या आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज, मैं भी हो गई थी वहां पे, प्रेशराइज हो गई थी बहुत ज्यादा कि मैं क्या वो लोग सुनेंगे, क्या होगा। और मेरे गुरुजी ने ही मेरा ऑडिशन लिया था, आई एम सो हैप्पी। तो ऑडिशन में देखिए बेसिकली कुछ भी नहीं होता, ऑडिशन में जो गुरुजी होते हैं आपके सामने होंगे और आपको उनको मैच करना है, वो सामने से कुछ गा रहे होंगे, आपको उसको कॉपी करना है। वो देखते हैं कि आपकी कैचिंग पावर कितनी अच्छी है, ठीक है, आप सुर में कितने अच्छे हैं, आप ताल में हैं कि नहीं, तो वो आपकी कैचिंग पावर से पता चल जाता है। गुरुजी कुछ गा रहे होंगे, आपको उसको कैच करना है, ठीक है, कुछ भी गा सकते हैं वो, कोई ठुमरी गा सकते हैं, कोई गाने की दो लाइन गा सकते हैं, वैसे तो गाने तो कम ही होते हैं वहां पे, बट कुछ भी गा सकते हैं वो, कुछ गाएंगे और आपको उसको कैच करना है, दैट्स इट। गंधर्व में ऑडिशन के एडमिशन के लिए ऐसे ही ऑडिशन होता है, तो ज्यादा प्रेशर मत लीजिए और आराम से चिल होकर गंधर्व में एडमिशन लीजिए, क्योंकि वहां जाकर ना आत्मा को शांति मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये क्वेश्चन भी मुझसे काफी लोगों ने पूछा है, ये भी मेरे ब्लॉग का ही कमेंट है। इनका नाम है नुसहत खान, मैं मेंशन कर दूंगी। क्वेश्चन है, विच फोन यू हैव एंड फ्रॉम विच फोन यू शूट योर रील्स एंड वीडियोस? तो ये क्वेश्चन मुझसे काफी लोगों ने पूछा है। तो मेरे पास एक ही फोन है, दैट इज वीवो V20, जिससे मैं अपनी YouTube वीडियो बनाती हूँ और रील्स भी मैं उसी से शूट करती हूँ। तो मेरे पास एक ही फोन है जो मैंने स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए लिया था, और ये इसका कैमरा काफी अच्छा है, बहुत ही आप लोग देख लो, मुझे अच्छा लगा था और मैंने बहुत सारी चीजें देख परख कर ये फोन लिया था, तो दैट इज वीवो V20। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम शहबाज का, ये मैंने इंस्टाग्राम से पिक किया है। आपका शादी का क्या प्लान है, घर वाले फोर्स नहीं करते? जी
जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ क्या इंडिया, पूरे इंडिया में ही लड़की जब बड़ी हो जाती है तो उसको शादी के लिए फोर्स किया ही जाता है कि भाई अब लड़की बड़ी हो गई हमारी, शादी कर लो। पर मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है अभी, शादी तो मुझे करनी है पर मुझे अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है, मुझे अभी बहुत कुछ करना है, एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे अचीव करनी है, मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं जो मुझे खुद से पूरी करनी है, उनके बाद मैं जरूर शादी करूंगी और आप लोगों को पता चल जाएगा क्योंकि मैं ब्लॉगर हूं और सारी चीजें एकदम आप लोगों के सामने होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, मे बी 10 से तो ज्यादा ही हो जाएंगे मुझे लग रहा है क्वेश्चन। तो ये मैंने इंस्टाग्राम से लिया है, दिविकर राठौर 123 ने पूछा है ये, अगर मैं नाम नहीं प्रोनाउंस कर रही हूँ तो मैं मेंशन तो कर ही रही हूँ, प्लीज डोंट माइंड। तो आपका पहले वाला अकाउंट किसने हैक किया था? तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है, मतलब हर चार में से दो कमेंट यही है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट किसने हैक किया। तो गाइज अगर ये मुझे बताना होता तो मैं अपनी पहली वीडियोज में बता चुकी होती और मैं उस इंसान के जैसी नहीं हूं, मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा था, तो मैं उसका नाम नहीं लेने वाली हूं, बट इतना समझ लीजिए कि वो कोई अपना ही है मेरा, बस ऐसा समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शहबाज खान का, ब्लॉग में ही कमेंट आया है ये कि जब आपका अकाउंट हैक हो गया था तब हाउ यू हैंडल दिस सिचुएशन, एंड इसलिए मैंने पूछा कि अपने बाद में बहुत लो हो गई थी हेल्थ भी वैसे, इनएक्टिव हो गई थी बहुत ज्यादा, सो आई रियली वांट टू नो। जी हाँ, मैं देखिए कोई छोटी बात तो थी नहीं कि मेरा अकाउंट हैक हुआ था, मैं जो बीमार थी वो तो पहले से ही थी, मुझे चेस्ट पेन बहुत दिन से हो रहा था और मुझे जो कफ की परेशानी है वो मुझे बहुत पहले से हो रही थी। अगर आपने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे तो मैंने अपने ब्लॉग्स में भी बताया है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और उसके बाद जब अकाउंट जब मेरा हैक हो गया उसके बाद थोड़ा सा टेंशन और बढ़ गया था और टेंशन में मुझे कुछ चीजें और हावी हो गई थी मेरे ऊपर, तो मैं इसलिए इनएक्टिव थी और चीजें नहीं कर पा रही थी, है ना, टेंशन तो होगी ना, थोड़ी सी टेंशन थी, बट अभी मैं एकदम ऑल ओके है, एकदम ठीक हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अमित सिंह लिखते हैं, आपका बॉयफ्रेंड है या नहीं दीदी, आई नो आप ना ही बोलोगे। तो अमित सिंह अगर आपने क्वेश्चन किया होता और आंसर मेरे लिए छोड़ दिया होता तो मैं इस क्वेश्चन का जरूर आंसर करती, बट आपने क्वेश्चन भी कर दिया और जवाब भी आपने ही दे दिया, तो मैं इस पे क्या ही बोलूं। क्वेश्चन के लिए आप लोग अभी सस्पेंस में रहो कि क्या हो सकता है, सोचो सोचो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। एक क्वेश्चन और था जो काफी लोगों ने मुझसे पूछा और सिमिलर था, तो मैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ। वो क्वेश्चन था कि ऐशी आपने अपनी म्यूजिक जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, वो पहला गाना कौन सा था जो आपने सबसे पहले गाया। तो गाइज ये जो चीज है ना मेरी लाइफ की छोटी सी चीज नहीं है, ये बहुत लंबी एक जर्नी मैंने तय की है। तो एक और क्वेश्चन था कि अर्शी आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं और हमारे यहाँ म्यूजिक को अलाउ नहीं करते, तो आपने अपने परिवार को कैसे मनाया इस चीज के लिए कि आपको बाहर जाने दिया जाए। तो इन दोनों सवालों का ना एक ही जवाब में आंसर है और जवाब बहुत लंबा है, तो इस वीडियो में मैं पॉसिबल नहीं है कि वो बता पाऊं। मैं चाहती हूँ कि वो चीज मैं आपसे बहुत अच्छे से खुल के शेयर करूं, तो वो मैं उस पर अगर आप कहेंगे तो मैं पूरा एक वीडियो बनाऊंगी उस पर्टिकुलर इस सवाल पे कि मेरी म्यूजिक जर्नी कैसी थी, मैंने पेरेंट्स को कैसे मनाया सब कुछ। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं जरूर उस पे वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। चलिए अभी लास्ट क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ, इसका भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वरना मैंने बोला था कि 10 की क्वेश्चन लूंगी मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, बट मैंने और बहुत सारे क्वेश्चन ले लिए, मुझे लग रहा है मैं गिन नहीं रही हूँ। तो ये पूछा है सदफ फूड वर्ल्ड ने, हाय सदफ, इसको मैं जानती हूँ एंड शी इज वेरी गुड कुक, तो आप इसका चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं साथ में। तो सदत ने पूछा है, हाय अर्शी आपको फिल्म में एक्ट करने का मौका मिलेगा तो आप एक्टिंग करोगी क्या? ये काफी लोग पूछते हैं मुझसे, क्योंकि हम रील्स बनाते हैं, मैं पहले टिकटॉक भी बनाती थी, काफी लोग तब भी पूछते थे, तब से मुझे एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट आया है। टू बी ऑनेस्ट मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट आया है, बट फिल्म में एक्टिंग करने का ऐसा कुछ नहीं सोचा है। मेरा मन है कि किसी सीरियल में मैं एक्टिंग करूं, लाइक होता है ना, मतलब एक दिल की बात बता रही हूँ मैं आपको, बहुत अंदर दिल की बात है ये कि मुझे सीरियल में किसी संस्कारी लड़की का रोल करने का अगर मौका मिलेगा तो मैं जरूर करूंगी, क्योंकि
बहुत अच्छा लगता है मुझे और शायद मैं कर पाऊं, पता नहीं, बट इसका ये आंसर था। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। 10 से तो ज्यादा ही क्वेश्चन ले लिए मैंने, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस वीडियो के लिए। शायद मैंने 10 से ज्यादा ही ले लिए क्वेश्चन। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मैं ऐसे वीडियोस करती रहूंगी फ्यूचर में भी। पहला Q&A वीडियो था मेरा ये, और मुझे बहुत मजा आया इसको शूट करने में भी। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना, और मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर से जो दिए हैं मैंने, आपके क्वेश्चन के जो आंसर मैंने दिए हैं, आप उससे सेटिस्फाइड हो कि नहीं, तो वो भी बताना मुझे। कमेंट जरूर करना, एटलीस्ट वो लोग तो जरूर कमेंट करना जिनके कमेंट्स, जिनके सवाल मैंने यहाँ पढ़े हैं और उनका जवाब दिया है। चलिए गाइस, फ्यूचर में मैं फिर से कभी Q&A वीडियो बनाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। तो फिर मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो में, व्लॉग में। और हाँ गाइस, मेरे अभी गाना आने वाला है, इसके बाद शायद मैं वो डालूं, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं करते हो तो। चलिए बाय बाय गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।